हेलो एवरीवन स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडम लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की जो लैंडमार्क जजमेंट है एक सोम प्रकाश रेखी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ठीक है गाइस ये जो जजमेंट है इसमें बहुत मैं क्या करने जा रही हूँ आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ की पॉइंट्स प्रोवाइड करने जा रही हूँ अगर आपने इस जजमेंट का फुल टेक्स्ट लेना है एज ए पी फॉर्म तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं तो हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे ठीक है या फिर आपको पी प्रोवाइड की जाएगी सो गाइज लेट स्टार्ट फ्रॉम द टू डेज जजमेंट एंड दैट इज प्रकाश रेखी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया इंट्रोडक्शन में आपने क्या लिखना है गाइज कि ये रिट पिटीशन फाइल गई की गई थी अंडर आर्टिकल 32 टू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एन इंडिजेंट पर्सन एंड उसने ये जो केस था फ्री लीगल एड के लिए मतलब फ्री लीगल एड की सहायता से फाइल किया था फैक्ट्स क्या है इस जजमेंट के गाइस बहुत ही इजी फैक्ट्स हैं आपको कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं हमने आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर लिख कर बताया हुआ है कि पटिशनर जो है वो एम्प्लॉय था शेल ऑयल स्टोरेज कंपनी में ठीक है वो रिटायर हो गया एट द एज ऑफ फिफ्टी ठीक है तो कब हुआ इन 1973 पर इन 1976 में क्या हुआ बुनरा शेल ऑयल स्टोरेज कंपनी का मर्जर हो गया विद्या भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन बीपीसी के साथ ठीक है हमने वर्ड यूज किया है यहां पर बीपीसी पर जो एम्प्लॉय था वो क्या कर रहा था पहले से ही जो पेंशन है रिसीव कर रहा था एट द एज ऑफ 51 जब वो रिटायर हुआ पर पहले जो उसकी पेंशन थी वो थी अप्रोक्सीमेटली वन हंड्रेड एंड सिक्सटी सिक्स रुपीज़ ठीक है तो और साथ के साथ तेरह मंथ के लिए थर्टीन मंथ के लिए वो एडिशनल बेनिफिट रिसीव कर रहा था एट्टी सिक्स रुपीज़ के अप्रोक्सीमेटली ठीक है तो आफ्टर दी मर्जर जो है उसकी पेंशन को घटा कर सीधा ही इन अप्रॉक्सीमेटली टू हंड्रेड और टू टू जीरो फाइव से चालीस रुपये तक उसकी पेंशन को गिरा दिया गया मतलब कि आप इतनी ही रिसीव करेंगे ठीक है तो उसने कंप्लेंट की जाकर तो वो कह रहे थे कि उन्होंने कहा कि ये जो रीज़न है श्रिंकेज या फिर विद जो फिर उसने पहले ही अपना प्रोविडेंट फंड और साथ के साथ ग्रेचुटी फंड था वो थोड़ी मात्रा में विदड्रॉ करवाया था ठीक है इस कारण से उसकी जो पेंशन है इतनी कम हो गई ठीक है और उन्होंने कहा हम तो जो है रेगुलेशन थर्टीन ऑफ दी बुमराह शेल एक्विजिशन एक्ट के को की रेगुलेशन को ही मानेंगे हमने जो प्रोविडेंट फंड की जो स्टैचू की रेगुलेशन है उसको हम नहीं देख रहे इस टाइम सिर्फ और सिर्फ रेगुलेशन थर्टीन को देख रहे हैं वो भी इस पर्टिकुलर एक्ट की ठीक है कंटेंशन क्या है पटिशनर की वो कह रहे हैं कि एक तो हमने आपको सर्विसेज प्रोवाइड की ठीक है इतनी देर और ऊपर से हम पहले ही इस, इस condition में है, मतलब पुअर हैं कि आ, हमारे पास तो केस फाइल करने के पैसे भी नहीं है पर आप फिर भी हम हमारी थोड़ी सी अमाउंट के लिए इतनी ज्यादा आप श्रिंकेज कर रहे हैं ठीक है तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर जो प्रोविडेंट फंड का स्टैच्यू है हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते और साथ के साथ कंटेंशन दी रिस्पोंडेंट ने कि इन्होंने तो जो है भाई पहले ही क्या कर ली है रिसीव अपनी पेंशन उसके थोड़े थोड़े पोर्शंस के लिए ठीक है तो उन्होंने कहा जब उन्होंने पहले ही रिसीव कर ली तो हम इन्हें कंपनसेशन या डैमेजेस क्यों दें ठीक है ऑब्वियस ही है गाइस ठीक है लॉ पॉइंट्स क्या है कि क्या ये जो श्रिंकेज थी वो वैलिड थी या नहीं दूसरा कि क्या जो है बीपीसी वो स्टेट की डेफिनेशन में अंडर आर्टिकल ट्वेल्व ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ़ इंडिया आता भी है कि नहीं क्या बीपीसी बाउंड है टू द रेगुलेशन थर्टीन या नहीं ठीक है ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की बहुत ज़्यादा क्लियर कट की थी उन्होंने स्टेट का मीनिंग बताते हुए कहा कि डेफिनेशन जो है स्टेट की जो डिफाइन की गई है अंडर आर्टिकल ट्वेल्व ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ़ द इंडिया उस वो एक कंक्लूसिव डेफिनेशन नहीं है उस वो इंक्लूसिव डेफिनेशन है ठीक है गाइज उसमें एडिशंस कर सकते हैं ठीक है थीके? तो अगर आपको आर्टिकल ट्वेल्व पे एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो हम आपके लिए ज़रूर बनाएंगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें बीपीसी जो है वो स्टेट की डेफिनेशन में आती है आप इसके लिए आर डी शेट्टी की जजमेंट भी रेफर कर सकते हैं भगत राम वर्सेज सुखदेव की जजमेंट को भी आप एज ए रेफरेंस दे सकते हैं क्योंकि मैं आपको की नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ इस जजमेंट के तो मैंने उन जजमेंट्स के नाम लिखने से बेहतर आपको बताना ही अच्छी तरह से समझा ठीक है तो जो है एक गवर्नमेंट एक सुप्रीम कोर्ट की ये ऑब्जर्वेशन भी थी कि माना कि एक एम्प्लॉय को जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक एम्प्लॉय को जब गवर्नमेंट अपॉइंट करती है पर एक एम्प्लॉय वो है जो कि गवर्नमेंट की किसी एजेंसी या फिर इंस्ट्रूमेंटलिटी के द्वारा अपॉइंट किया जाता है इन दोनों में फ़र्क ज़रूर होता है पर इन दोनों के जो राइट्स हैं और साथ के साथ इन दोनों की इंटीग्रिटी है वो दोनों ही सेम रहेंगी चाहे वो गवर्नमेंट ने डायरेक्ट ही अपॉइंट किया हो खुद या फिर किसी उसकी इंस्ट्रूमेंटलिटी ने अपॉइंट किया हो ठीक है तो कोर्ट ने यह कहा कि आप इस तरह से श्रिंकेज नहीं कर सकते ठीक है और ये श्रिंकेज जो है चाहे किसी के लिए प्लेजर का रीज़न बने या फिर किसी के लिए एंगर का ठीक है बीपीसी जो है वो रेगुलेशन थर्टीन के जो है बाउंड है और साथ के साथ पीएफ फंड को भी इग्नोर नहीं कर सकते पेंशन जो है वो जो ढाई सौ रुपये हैं जो पहले ये सब अप्रॉक्सीमेटली बनाकर ढाई सौ रुपये हो गए होंगे उतनी ही रहेगी ठीक है उन्होंने कहा कि ये सीधा ढाई सौ से दो ढाई सौ से चालीस रुपए तक आना पेंशन किसी भी इम्प्लॉय का यह भी जस्ट नहीं है डिसीजन अपील जो जो uh, सॉरी पर आएगा Petition. Petition जो है वो अलाउ कर दी गई ऑर्डर दिया गया दो हजार रुपया कोस्ट का डिपॉजिट कराया जाए इन लीगल एड ऑफ दी सुप्रीम कोर्ट ठीक है तो एक्ट्स देख सकते हैं आप ट्रस्ट डीड एक्ट रेगुलेशन थर्टीन एंड बुमरा शैल बुमराशल एक्विजिशन एंड अंडरटेकिंग ऑफ इंडस्ट्री एक्ट 1976 ये था हमारे एक्ट्स तो आप इसको अगर डिटेल में चाहते हैं तो हम आपको पीडीएफ ज़रूर प्रोवाइड करेंगे पर उसके लिए आपको कमेंट करना होगा बताना होगा कि आप चाहते भी हैं कि नहीं सो so गाइज़ अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब